नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस वक्त राजधानी दिल्ली का माहौल काफी अलग है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन 26 नवंबर से लगातार जारी है। इसी बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, जिसके बाद अब पुलिस ने काफी चौकसी बरती है। सरकार के अल्टीमेटम के बाद दिल्ली की कील बंदी कर दी गई है। जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे देखकर लग रहा है जैसे वह किसान नहीं कोई आतंकवादी हूँ। अब आप समझिए कि ये कील बंदी क्या होती है। दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम सरकार ने किए हैं जैसे उनमें अब किसानों को लेकर भारी खौफ बन गया हो। गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़कों पर कील बिछा दी है। अब अगर किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुसने की कोशिश की तो कील से टायर पंचर हो जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार लगा दिए गए हैं। टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स के बीच में मिट्टी और कंक्रीट डालकर इसे जाम किया गया है। ऐसी तैयारी इसीलिए की गई है क्योंकि किसानों ने 6 फरवरी को देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस अभी से हाई अलर्ट पर है। बंदोबस्त ऐसे किए जा रहे हैं जैसे वह कोई टेररिस्ट हो। तो आप गाजीपुर बॉर्डर की यह तस्वीर देखिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि तैयारी कैसी की गई है। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा, जो कि बेहद अप्रत्याशित थी, उसके बाद अब दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर 3 लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है। नुकीले तारों की फेंसिंग काफी लंबे दायरे में की गई है। यह फेंसिंग इसलिए की गई है क्योंकि 26 जनवरी को हुए हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड्स को अपने बल प्रदर्शन के जरिए किनारे तक कर दिया था और वह लाल किले तक पहुंच गए थे। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने यह बात भी कही थी कि 1 फरवरी को संसद तक मार्च करेंगे, हालांकि इसे कैंसिल कर दिया गया है। पर कल ही किसान नेताओं ने यह ऐलान किया है कि 6 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने यह तैयारी की है। दिल्ली पुलिस की तैयारी को देखते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस तरह से बैरिकेडिंग इस वक्त बॉर्डर पर की गई है, उस तरह से बैरिकेडिंग अगर चीन बॉर्डर पर की जाती तो अरुणाचल प्रदेश में चीन अपना गाँव नहीं बसाता। इसी तरह से कई और एक्टिविस्ट और विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर इस बैरिकेडिंग को लेकर निशाना साधा है। 6 फरवरी को लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है कि 26 जनवरी की तरह एक बार फिर से देश में शर्मसार करने वाली हिंसक घटना ना हो। पर सरकार किसानों की मांग पूरी करने को तैयार नहीं है। और वहीं किसानों का कहना है कि वह आंदोलन तभी खत्म करेंगे जब यह कृषि कानून खत्म होगा। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि दिल्ली और कितने हिंसा का शिकार हो रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए द लोकनीति।